भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश भर में प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है। इसी कड़ी में 16 इकाई द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी पर द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्र हितों को लेकर वे किसी तरह का समझौता नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की जो भी मांगे हैं वे प्रदेश सरकार को तुरंत पूरी करनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश भर में प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है। इसी कड़ी में 16 इकाई द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्र हितों को लेकर वे किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि छात्रों की जो भी मांगे हैं वे प्रदेश सरकार को तुरंत पूरी करनी चाहिए। एबीवीपी 16 इकाई के अध्यक्ष शुभम राठौर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे पिछले काफी समय से छात्र संघ चुनावों की मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर न कुलपति ध्यान दे रहे हैं और न ही सरकार, इसलिए उन्होंने अब संघर्ष का मार्ग अपनाया है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ विद्यार्थी दूसरे वर्ष में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक पहले वर्ष का परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जो सरासर गलत है। तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसलिए वे 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रदेश सरकार विद्यार्थी परिषद की सभी मांगों को पूरा नहीं करती तो पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे। राठौर, सोलन महाविद्यालय के अध्यक्ष। अभी अगस्त 23 तारीख से जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्टेट कॉल चली है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 16 इकाई के लोग 23 तारीख से सरकार के खिलाफ और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो वीसी बैठा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ हम ये कह रहे हैं कि जो विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार है, ये चुनाव है, इसको बहाल करो। ये विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इससे विद्यार्थियों को वंचित ना रखो। इसके लिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन करती जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वीसी से हमारा ये अनुरोध है कि ये सेकंड ईयर का पेपर शुरू होने वाला है पर अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद के लोग 23 तारीख से जो हमारी स्टेट कॉल है पूरे प्रदेश के अंदर हम धरने पे बैठे हैं और धरना कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वीसी की तरफ। पर हमारी जो भी जो मांगे हैं उसको अनसुना किया जा रहा है। आज विद्यार्थी परिषद के लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। 26 तारीख के 12 बजे से लेकर 27 तारीख के 12 बजे तक विद्यार्थी परिषद के लोग 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल पर सोलन महाविद्यालय में बैठे हैं। विद्यार्थी परिषद सोलन इकाई के लोग कंधे से कंधा मिलाकर आज सरकार से कह रहे हैं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कह रहे हैं कि हम लोग अभी तो 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर हमारी मांगों का भी अनसुना किया गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा।